बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा के सेक्टर 137 में 10 किलोमीटर का इलाका पानी पानी हो गया है, जिससे यहां पर रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोगों का घर, दफ्तर आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं, जिसका जायजा हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा ने लिया है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली की वीआईपी सड़कों पर इसी तरह से पानी भरा है और हम इस वक्त नोएडा में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। ये इलाका 137 और 135 सेक्टर का है, नोएडा का ये पॉश इलाका माना जाता है। तमाम बिजनेस पार्क्स हैं यहां पर, बहुत सारी एमएनसीज के दफ्तर भी हैं और बहुत सी नई सोसाइटियां हैं। आप देखिए किस तरह से पूरी तरह से सड़क डूब चुकी है, लोग परेशान हैं, गाड़ियां नहीं निकल पा रही हैं। ये देखिए गाड़ियों को टो करके लाना पड़ रहा है। ये गाड़ी आप कहाँ से लेकर आ रहे हैं? यहीं से उठाए मैम, पानी में से ही। पानी में पानी चला गया इसलिए इंजन? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और ऐसे कितनी गाड़ियां आप उठा चुके हैं? तीन गाड़ी उठा सके अभी सुबह से आपने? जी। और बहुत सी गाड़ियां फंसी हुई हैं? अभी तो कोई नहीं फंसी, फंस जाएगी इसी पानी में तो चली जाए। इतना गहरा पानी है ये, घोंटू घोंटू से ऊपर है, घुटने तक का पानी है। मतलब डेढ़ फीट आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक से डेढ़ फीट, कहीं कहीं पर थोड़ा ज्यादा भी है। यहाँ पर लोग आप देखिए कि मशक्कत कर रहे हैं, लोग अपने ऑफिस जाने के लिए सोच रहे हैं कि कौन सी सड़क लें, जरूरी काम से उनको जाना है लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जो इस वक्त पानी में सबमर्ज नहीं हो। भैया आप कहाँ पर रहते हैं और ये कितनी कब से भरा है ये पानी? जी कल से हो रहा है, कल से पानी भरा है। और बारिश की वजह से है या क्या? बारिश की वजह से नहीं है, कोई नाले याला खुला है जो भी है। यहाँ यमुना नदी की अगर हम बात करें, यहाँ से लगभग एक से डेढ़ किलोमीटर दूर है यमुना नदी, लेकिन कई नाले हैं जो पानी को ले जाते हैं, यमुना नदी में ड्रेन होता है उनका पानी। और बताया ये जा रहा है कि ये जो नाले हैं वो कई जगह से अब यमुना का पानी वापस इन नालों में आ रहा है और इस तरह नोएडा के ये इलाका कम से कम आपको डूबता हुआ नजर आ रहा है। बाढ़ जैसी स्थिति पूरी हो चुकी है। और ये जो आप मेरे पीछे जो मेरे वीजे हैं सतेन भाटी, जो इस वक्त आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स ऑफ भारत की, आपके आप